ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, ये देश को खंड खंड का करना चाहते हैं और मोदी जी अखंड भारत चाहते हैं, इतनी सी बात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में चंद महीने ही बाकी है। कांग्रेस प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। खुर्शीद ने यह किताब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लिखी है। खुर्शीद ने अपनी किताब में एक तरफ अयोध्या पर फैसले को सही ठहराते हुए इस मुद्दे से आगे बढ़ने की सलाह दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इसमें हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी है। सलमान खुर्शीद की इस तुलना से विवाद खड़ा हो गया है। खुर्शीद की ये किताब बुधवार को लॉन्च हुई और 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है। खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की। वही हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से किए जाने से BJP ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सलमान खुर्शीद की किताब के जवाब में BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये सिर्फ सलमान खुर्शीद या कांग्रेस के कुछ नेताओं की ही लाइन नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। भाटिया ने कहा, ये विचारधारा स्पष्ट कर देती है कि देश के बहुसंख्यक जिनका योगदान देश को अखंड करने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो। भाटिया ने आगे कहा कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर ही बार बार हो रहा है। भारत में रहकर भारत के नागरिकों द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? ये सवाल आता है कि क्या ये लाइन सलमान खुर्शीद जी की है? क्या ये लाइन पी चिदंबरम जी की है? क्या ये लाइन शशि थरूर जी की है? क्या ये लाइन और विचार मनीष शंकर अय्यर के ही केवल हैं? ऐसा नहीं है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान बलिदान इस देश को अखंड रखने में मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। वही महाराष्ट्र में BJP की सहयोगी रही और हिंदुत्व की पैरवी करने वाली शिवसेना ने भी इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई और वर्तमान में राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लेकर कहा कि हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों ISIS और बोको हरम से करना हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक प्रयास है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हिंदू धर्म में वासुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है। आधी अधूरी जानकारी पुस्तक को प्रचार दिला सकती है, लेकिन इसके लिए लाखों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना ठीक नहीं है। सलमान खुर्शीद की किताब पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और BJP नेता नरोत्तम मिश्रा ने इसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों का काम बताया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, सलमान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह जी हो, ये कंट्रोवर्सी किताब नहीं, किताब ही इसलिए छापी होगी उन्होंने कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के पोषक हैं। देश के अंदर जितना बिखराव और अलगाव ये लोग पैदा करते हैं, कोई नहीं करते, कांग्रेस के लोग, गांधी परिवार। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में कहा कि अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे की स्थिति थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका समाधान निकाला। ये ऐसा फैसला है जिससे ये न लगे कि हम हारे और तुम जीते। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।